संदूक का जादू। एक गांव में सुखिया नाम का एक कुम्हार रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह मिट्टी के घड़े बना करके ही अपना पेट पालता था। वह अपने घड़ों के लिए रोज अच्छी मिट्टी ढूंढता और फिर उसे खोद करके घर ले आता, ताकि उस मिट्टी से वह सुंदर और बहुमूल्य घड़े बना सके। एक दिन रोज की तरह सुखिया घड़ों के लिए मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते अचानक उसे लगा कि उसकी कुदाल से कोई धातु टकराई है। कुछ सोचकर उसने थोड़ा और खोदा और उसे उसमें एक छोटा सा संदूक मिला। उसने चारों ओर से मिट्टी को खोदकर उसको बाहर निकाल लिया और उसे किनारे पर रख कर काम में लग गया। काम खत्म करके वो घड़ों की मिट्टी और संदूक समेत अपने घर आ गया। घर आकर उसने संदूक को खोला तो देखा कि संदूक पूरा खाली है। संदूक में एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है, डालो एक मिलेंगे अनेक, शर्त इतनी सी कर्म हो नेक। लालच मन में जब आएगा खुद गायब ये हो जाएगा। उसने बहुत दिमाग लगाया परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है या यह बात किस चीज से संबंधित है। थक हार कर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये मेरा कीमती सामान रखने के काम तो आएगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी जेब में से 200 रुपए निकालकर उस संदूक में रख दिए और खाना खाने चला गया। जब वो खाना खाकर आया तब उसने सोचा कि एक बार फिर उस कागज पर जो लिखा है उसे पढ़कर देखता हूं कि आखिर उसका मतलब क्या है। उसने जैसे ही उस संदूक को देखा तो हैरान रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके रखे हुए रुपए दुगने हो गए हैं। बस फिर क्या था, डालो एक मिलेंगे अनेक, शर्त इतनी सी कर्म होने, लालच मन में जब आएगा खुद गायब यह हो जाएगा। कागज पर लिखी इस पंक्ति का अर्थ उसे तुरंत ही समझ आ गया। वो ये भी भली भांति समझ गया कि यह संदूक का ही जादू है, हो ना हो यह जादुई संदूक है। अब उसे जिस सामान की जितनी जरूरत पड़ती वह संदूक से उसी हिसाब से उसका भाग रख देता और उसे वो चीज पूरी की पूरी तैयार मिल जाती। अब उसकी गरीबी के दिन दूर हो चुके थे। उसे जब भी भूख लगती और जो भी खाना होता उसका एक टुकड़ा संदूक में रख देता तो वो चीज दुगनी हो जाती। कोई भी फल रखता तो उसे उसकी दुगनी मात्रा प्राप्त हो जाती थी। अगर उसे नई कमीज चाहिए होती तो वह अपनी पुरानी कमीज डालता और उसे एक बिल्कुल नई कमीज मिल जाती। अगर उसे 100 रुपए की आवश्यकता होती तो वह 50 का नोट संदूक में रख देता और संदूक उसे दुगने अर्थात 100 रुपए प्रदान कर देता। उसके दिन फिरने लगे। अब उसकी गरीबी के दिन दूर हो चुके थे क्योंकि वह इस जादुई संदूक से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता था। धीरे धीरे सुखिया के मन में लालच ने अपनी जगह बना ली। उसने सोचा, आखिर ये संदूक तो मेरा ही है, तो क्यों ना मैं इसमें रोज रोज 500 रुपए का नोट डालकर हजारों नोट बना लूं। और उसने ठीक वैसा ही किया। इस तरह वह धीरे धीरे अमीर आदमी बनने लगा। उसके छोटे घर की जगह एक आलीशान बंगले ने ले ली। नई चमकती गाड़ी, नया सोफा, नया टीवी, फ्रिज और घर की सभी जरूरी चीजें, उसने सब कुछ ले लिया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतने थोड़े समय में इसने इतना धन कैसे कमा लिया। लेकिन यह बात सबसे ज्यादा उसके चचेरे भाई मनोहर को खटकने लगी, जो कि इसी गांव में ही रहता था, किंतु वो सुखिया को गरीब होने के कारण बुलाता नहीं था। उसने सुखिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे क्योंकि उसे लगता था कि सुखिया का जीवन स्तर उसकी बराबरी का नहीं है। उसका सोचना था कि चाहे सुखिया
कितने भी सुंदर और मजबूत घड़े बनाता हो, पर फिर भी एक कुम्हार इतना अधिक पैसा कैसे कमा सकता है? उसने यह सोचकर अपने एक सेवक भोलू को सुखिया पर नजर रखने के लिए बोल दिया। भोलू ने सुखिया पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अगले दिन भोलू चोरी चोरी खिड़की के बाहर से सुखिया को देख रहा था कि कैसे कुम्हार ने उस जादुई संदूक में एक सोने की अशर्फी डाली और उसमें से दो सोने की अशर्फियां निकाली। उसे समझते देर न लगी कि यह कोई जादुई संदूक है और सोचने लगा कि अब तो मेरे मालिक मनोहर अमीर बन जाएंगे और मुझे भी अपार धन देंगे, क्योंकि मैं उन्हें सुखिया के अमीर बनने का राज बताऊंगा। वह तुरंत वहां मनोहर के घर गया और सारी बात मनोहर को बता दी। सारी बात सुनकर मनोहर ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर सुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। काफी महीनों बाद अपने चचेरे भाई मनोहर को अपने घर की तरफ आते देख सुखिया बहुत खुश हो गया और उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उसे पता नहीं था कि मनोहर अपने मन में उसके प्रति गुस्सा और द्वेष लेकर आया है। मनोहर ने प्यार जताते हुए उससे पूछा, आखिर मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी अमीरी का क्या राज है? तुम एकाएक इतने बड़े आदमी कैसे बन गए हो? सुखिया साफ दिल का मालिक था। उसे लगा कि शायद उसका भाई अपने किए पर शर्मिंदा है और दोबारा पहले जैसा रिश्ता बनाना चाहता है। यह सोचकर वो मनोहर को संदूक के पास ले गया। सुखिया ने उसे एक सोने की अंगूठी दी और बोला, ये लो, इसे इस संदूक में रखो और इसका ढक्कन लगा दो और फिर 2 मिनट बाद दोबारा इसे खोलना। मनोहर ने ऐसा ही किया और संदूक में एक की जगह 2 अंगूठियां देखकर हैरान रह गया। उसके मन में लालच आ गया और उसने सुखिया से कहा कि तुम्हें इस संदूक की अब कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे दे दो। तुम तो व्यर्थ ही लोगों पर पैसे बर्बाद करते हो। मैं इसमें से रोज तुम्हारी तरह ही रुपए निकालूंगा, परंतु तुम्हारी तरह लोगों को दान में नहीं दूंगा। खुद देश का राजा बन जाऊंगा, फिर सब पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। नहीं नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह अपने आप गायब हो जाएगा। उसने मनोहर को बहुत समझाया पर उसके कानों पर जू भी ना रेंगी। सुखिया ने संदूक पर लिखे संदेश को दिखाते हुए फिर मनोहर को समझाया और बोला, देखो इस पर लिखा भी है, डालो एक मिलेंगे अनेक, शर्त इतनी सी कर्म होने एक, लालच मन में जब आएगा खुद गायब यह हो जाएगा। मैं भी कुछ समय के लिए भटक गया था मेरे भाई, परंतु मुझे कुछ समय बाद ही बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने लोगों की सहायता करनी प्रारंभ कर दी। उसने मनोहर को बहुत समझाया पर वह टस से मस ना हुआ और मनोहर ने सुखिया से संदूक छीनना शुरू कर दिया। सुखिया ने मनोहर की नीयत समझते ही उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया और धमकी भी दी कि यदि वो उसकी बात नहीं सुनेगा तो सुखिया सरपंच से उसकी शिकायत कर देगा। सरपंच के डर से मजबूरी में मनोहर को सुखिया के घर से जाना पड़ा। वो अपने मन में बदले की आग और संदूक का लालच लेकर वहां से चला गया। सुखिया को अपने बर्ताव पर बहुत दुख हो रहा था। मनोहर ने अगले ही रात अपने सेवक भोलू को अपने साथ लिया और सुखिया के घर से रातों रात संदूक चोरी करने की योजना बना ली। रात को जब वे उसके घर पहुंचे तो सुखिया निश्चिंत होकर सो रहा था कि अचानक खटके से उसकी नींद टूट गई। उसने दोनों को अपने घर से संदूक समेत भागते देखा तो हैरान रह गया। सुखिया ने फिर से उसे बहुत समझाया और बार बार उसे इस मंत्र का हवाला भी दिया, डालो एक मिलेंगे अनेक, शर्त इतनी सी कर्म होने, लालच मन में जब आएगा खुद गायब यह हो जाएगा। पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। मनोहर ने उसके बात नहीं सुनी और जैसे ही वे दोनों सुखिया के घर से बाहर आए वैसे ही वह संदूक खुद ही वहां से गायब हो गया।
अब मनोहर के पास सिवाय पछताए के कुछ शेष नहीं रह गया था। सुखिया को भी इस बात का दुख था कि अब मुसीबत आने पर वो लोगों की कोई सहायता नहीं कर पाएगा। इसी खींचातानी में दिन चढ़ाया था। प्रतिदिन की तरह सुखिया ने अधिक शोक न मनाते हुए अपनी कुदाल उठाई और अच्छी मिट्टी की तलाश में निकल पड़ा। उसका मानना था कि हमें अपना कर्म सदैव करते रहना चाहिए, और अब वह यह भी जान चुका था कि लालच का फल बुरा ही होता है।